कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री भजन राशि के लिए। ये किस प्रकार से राधा कृष्ण की श्रृंगार रचना तथा स्तवावली ग्रंथ से सेवा संग्रह को प्रकाशोत्र वर्णन के जा रहे हैं। स्वर्ण मुक्ता गुंजा मणि सुमनसा हार रोचने तथा शिक्षण विधि तथा सरसी मद शरदने स्फुट राधा कृष्ण वयमी जनो वोसी ठाकुर। इस ग्रंथ में अष्टम जाम साधन में नीला मीला आदि वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार राधा कृष्ण की श्रृंगार रचना करना है इसके बारे में बता रहे हैं। इंदुलेखा सखी हमारे ऊपर गुरु रूप में कृपा कर मुझे मुक्ता गुंजामणि तथा पुष्पों के अंदर सुंदर हार बनाने की कला प्रदान करें जिससे मैं राधा कुंड की मत रत्न जड़ी सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण को बिठा कर उनका श्रृंगार कर उनके सुख के लिए उन्हें विभूषित कर सकूं। इसमें उनका वर्णन किया है। समस्त सखियों की इस प्रकार अपने शिक्षा गुरु मान करके और उनसे शिक्षा आदि कैसे ग्रहण करना है इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अपराजिता चित जगत में सभी सखियां जो है एक एक कला में आर्ट शिल्प कला नृत्य कला संगीत कला बोलते कि नहीं बोलते क्या बोलते संगीत कला बोलते कि नहीं रंधन कला रसोई बनाना ये भी कला है। समस्त कला में जो है यानी सेवा के परिपाटी जो है एक एक सखी से जो है हम शिक्षा ग्रहण करें करें। इंदुलेखा सखी हमारे ऊपर गुरु रूप में कृपा कर मुझे मुक्ता गुंजामणि तथा पुष्पों के अंदर ये पुष्पों के द्वारा सुंदर सुंदर हार बनाने की कला प्रदान करें। ये पुष्प की बनाना जो क्या बोले माला जी बनाना माला जी बनाना ये भी कला होनी चाहिए। ये समस्त सखियाँ जो है धागे के द्वारा पुष्प नहीं बने माला नहीं बनाते है बिना धागे के माला बना पाओगे नहीं
वो फूल के ऊपर निकल पड़ता है, वो एक प्रकार फूल होता है ना। ये जो सफेद सफेद जो आपके जो स्टार फ्लावर्स जो है, सफेद वाला स्टार फ्लावर्स है ना वो, है उसके पीछे के एक के साथ एक जो जो समझ में आ गए देखा कि नहीं। और ये बनाने की कला भी इसी प्रकार का है। बोले हमें के द्वारा तो सब माला तैयार करती है, किंतु बिना धागे का तरह बनाना यही कही कला है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं इंद्र का से कि हमारी और गुरु रूप में कृपा कर मुझे मुक्ता गुंजामणि तथा पुष्पों के सुंदर सुंदर हार बनाने की कला प्रदान करें, जिससे मैं राधा कुंड के मध्य रत्न जड़ी सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण को बिठा कर उनका श्रृंगार कर उनकी सुख के लिए विकसित कर सकूं। राधा कृष्ण प्राणमोहन निबंध जीनों जीवने मरने मरने और होती नहीं, उसमें कीर्तन है कांतिया मालती माला दिवत द्वार करी अधर ये तुलिया दिवत है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बांग्ला के कितने कितने सुंदर भावों के प्रकाश है। कांतिया मालती माला मालती पुष्प है और सुंदर मालती पुष्प देखा मालती मालती लाल लाल होता है बड़ा होता है और सभी पर्ण भी कई रंग का होता है। जैसे माधवी मान लीजिए जाति हमारा है उसको टाइम और अधरे चुड़िया दिवस कोरपुर तांबुले कोरपुर मिश्रित तांबुल बने तांबुल का दे पान देखो पान की बिड़ा बिड़ी तैयारी कर बिड़ा तैयारी करना ये ही कला है। विशेष करके आप लोग की कला है विवाह उत्सव में, विवाह आदि उत्सव में जो है कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, किंतु उस मिठाइयाँ की मूल्य उतना नहीं है उनके जितने करके सजाना जो है आर्ट के तरह आज उसके लोग पैसा देते हैं। मिठाई के पैसे कितने होता है जितने होगा उसके कम से कम 5-6 गुना पैसा जो लोग उसके जो है पैसे सजाते हैं। हम ही कभी कभी करते देखो आपकी कोई दुकान में जो कोई सामान खरीदा सामान भी जितना पैसे नहीं होगा उसके अधिक पैसा होगा वो पैकेज का पैकिंग का जो होगा लोग तो उसी से लिए थे ना। ऊपर से कितना सुंदर था क्या बोले आप ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे ये अनेकों प्रकार के जो है गुंजामणि तथा रत्न जड़ित सिंहासन पर राधा कृष्ण को बिठा कर उनका श्रृंगार कर उनके सुख के लिए ही विकसित कर क्योंकि अपराध तो चीज गिरिराज गोवर्धन की तलाट में जाओ आपको रत्न सिंहासन रत्न वेदी कहा जाता है। कितने सुंदर स्थान होते देखने में जैसे जैसे साधारण पत्थर लग रहे हैं किंतु वास्तव रूप में राधा कृष्ण की प्रकट लीला है। वो नाजिनी जोग में कितने प्रकार की सुंदर सजावट करके रखते थे हम लोग जाते हैं रत्न सिंहासन पर जाते हैं। रत्न सिंहासन कहाँ है गए तुम विराज परिक्रमा करते रत्न सिंहासन पर
इतने सुंदर दिव्य स्थान है। तो क्या बोले हम लोग नारायणपुर में भी थोड़ा इधर पे बाएं की तरफ है, समस्त स्थान है सुंदर। आज गिरिराज गोवर्धन की तलहाटी में, किंतु वास्तव में गिरिराज गोवर्धन की एक नहीं है, अनेकों जगह वो समस्त रत्न रत्नकुंड पर अपना कुंड भी है, जिससे जो है कुंड से जो है अनेकों प्रकार रत्न आदि निकल रहे हैं। जो माया ऐसे संतरप्त करते अभी तो रत्न कुंड है, फिर तो आदि रत्न आपको दिखाई नहीं देता। रत्न सिंहासन है, फिर तो आपके वो लीला आपके दर्शन नहीं, कृष्ण के प्रकट लीला के समय इतने सुंदर स्थान अनेक प्रकार की गए आप माधुर्य आदि। इसलिए यह पर भी कहा है प्रस्तुत श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मंजिर रूप में अविष्ट होकर निकुंज सेवा संदर्भ में राधा माधव की श्रृंगारोचित सेवा वसन की मनोरम चित्र उचित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की रसपुष्टि के लिए श्री राधा जी की विभिन्न सभा सखियां है। देखो सब सखियां जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार सुंदर सुंदर ये समस्त जो है आर्ट कला आदि करते, सब अपने अपने भावना के अनुसार। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल लिखते हैं ये आदमी जो पढ़ते हैं सजातीय, वैसे साधु संघ भी कहा जाते हैं, साधु आदु श्रद्धा तत्व साधु संघ, श्रद्धा के पाठ क्या बता रहे हैं साधु संघ, साधु की संघ जो है बड़े उसमें लिख रहे थे साधु संघ किसको कहा जाता है स्वजातीय आशय सतो बड़े स्वजातीय आशा सिद्ध बोले साधु संघ कैसे करो समान भावना विशिष्ट अंतकरण महात्मा उनके साथ संघ करना चाहिए और उनके मुखार बिंद से श्रीमद भागवत के गुणार्थ गुणार्थ समझ के गुणार्थ क्या बोलते उसके समझना चाहिए गुणार्थ जो है उसे समझना सजातीय आसन सिंधु सतु बड़ी श्रीमद भागवतम नाम रस असत श्रीमद भागवत की नाम रस माधुर्य जो है असाधन। तो यहाँ पर कहा जाता है बोले सजातीय तो कहा जो सजातीय कैसे होगा सजातीय हो नहीं सकता। सजातीय क्या बताया हमने बताया बताओ सजातीय किसी का समान भावना विशिष्ट होना चाहिए। जैसे साधु कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं आराधना करते हैं और आप क्या चाहते हो राधा कृष्ण तब तो विचार में तो कोई भेद नहीं है आप समझ में नहीं राधा कृष्ण की भजन करने वाले संत महात्मा और लक्ष्मी नारायण के भजन करने संत महात्मा तब तो विचार में कोई भेद नहीं है किंतु रस विचार में भेद होगा क्या भेद है आप बताओ क्या भेद है बताओ क्या बताओ हाँ भेद क्या हो अरे राधा कृष्ण के भजन करने वाला ही वो माधुर्य रस भी होता है सीधी बात और जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करने वाले वो कैसे होते हैं वैसे जवाब रखते हैं वो नारायण है भगवान है राधा कृष्ण जी हमारे भगवान नहीं है ब्रज के ठाकुर है आज ब्रज में राधा कृष्ण भी करते किंतु कृष्ण जी भगवान नहीं मानते जो लक्ष्मी नारायण के पास नारायण के पास जो है वो नारायण के भगवान के दरबार को प्रणाम करेंगे करेंगे
है, किंतु कृष्ण की कोई स्तर शुद्धि करेगा नहीं। तो यहाँ पर स्वभाव भी अलग हो जाता है। लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले और राधा कृष्ण की उपासना करने वाले अलग, वो भी और भी क्या क्या बताओ, वो सत्यत्व भाव रहता है और राधा कृष्ण की उपासना करने वाले राधा कृष्ण के विभाव भी जो है उतनी महत्व नहीं देते, मानती नहीं है। तो आपको जितनी में तो मान लेंगे सब इनके जो है काम बाकी पढ़ने हुआ ये हुआ है, राधा कृष्ण के जवाब किसने कराया, ब्रह्मा जी ने कराया भांडी पर भांडी पर मिल जाए। ये केवल तब तक युक्ति आदि के लिए, किंतु ब्रजवास जो के शुद्ध ब्रजवास ही है जिसको शिकार नहीं है। यदि राधा कृष्ण के विवाह हो तो प्रेम माधुर्य प्रकाशित नहीं हुआ, प्रेम माधुर्य कहां पर प्रकाशित होता है, राष्ट्रीय विवाहित अवस्था में ही राष्ट्रीय नहीं हो सकता, इसलिए वही कृष्ण द्वारका में कैसे रूप में प्रकट हुए, द्वारकाधीश के रूप में, वही राधा जी द्वारका में क्या रूप में प्रकाशित हुए, सत्यभामा के रूप में है कि नहीं है, आप बताओ, चंद्रावली देखो द्वारका में रुक्मिणी के रूप में, सारे तो यही ब्रज के जितने भी गोपियां जो है वो कहां पर द्वारका में, वही सब महिषी के रूप में प्रकट हुई, कृष्ण के साथ विवाह ये सब दिखा, तो वहीं पर 16108 पाठरणियां थी, यही तो है राधा जी के सब इस गोपियों के प्रकाश विग्रह कहा जाता है, अलग नहीं है, किंतु कृष्ण वहां पर रास नहीं है, सब क्या एक मर्यादा रहता है, मर्यादा समझते हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी मर्यादा रहता है। और वृंदावन में एक स्वाभाविक माधुर्यता प्रकाश है, जो परिक्षेत्र जो चार जो अमोघ वस्त्र जो है बताते हैं क्या क्या बताओ, ब्रह्मता प्रच्छन्न का मतलब निवारणता और दुर्लभता है, बहु मिले को ना मिले दही के घटन, दुर्लभ मतलब क्या, जो वस्तु अत्यंत कठोर परिश्रम से साधन से प्राप्त होते हैं उसको दुर्लभ कहा जाता है, जो दुर्लभ वस्तु तो ही होता होता है परिक्षेत्र में दुर्लभ होता है, दुर्लभ होता है सत्यत्व में दुर्लभता नहीं, स्वच्छंद रूप में पति पत्नी कहेंगे आए जाए बैठे खाए बैठे जो सुख करे, एक तो परिक्षेत्र में ऐसे समाज की नियम श्रृंखला है उसके ऊपर अंकुश लगा दे, विवाहित हो विवाहित हुआ ही नहीं स्वच्छंद मिलन नहीं, इसलिए क्या करते हैं छुप छाप करके मिलते हैं, इसलिए दुर्लभ जो वस्तु दुर्लभ होता है उस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्कंठा अधिक बढ़ता रहता है, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते हैं पानी आदि सुलभ है, नल में जितना पानी है पीते रहो हाथ पैर धो पानी खोल भी देते हैं, क्या बोले नल पानी गिरते जा रहे हैं, किंतु देखो वही पानी यदि नहीं है दो तीन दिन यदि नल से पानी नहीं आया है और कैसे मारेगा, हाहाकार मच जाएगा है। दिल्ली में गर्मी के समय विशेष करके जो है जेठ महीने में जो है कितना हर साल लोग कितने परेशानी की है, मन से पानी नहीं है, घर में पानी नहीं, थोड़ा वो रखा वो भी खत्म हो जाता, अच्छा बताओ उस समय
थोड़ी सी पानी के लिए जितना आप पैसा चाहिए आप देने के लिए तैयार है। एक ग्लास पानी के लिए कहा है कि तुम्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा, देने के लिए पैसा थोड़ी खा जाएगा है? पानी पिया गया तो पानी पीने के लिए देखो जब उस समय क्या होता है, कितने आपको कठिन परिश्रम और कितना व्यय करना पैसा देना पड़ता है। और जब पानी आ रहे हैं किसी कोई धर्म होना ये रास्ते के नॉन जो है वो पानी गिरते जा रहे हैं, पर गिरते जा रहे हैं, कोई मंगल करने वाला नहीं है। और जब पानी जब नहीं आ रहे 3-4 दिन हुए सब लोग हाहाकार हाहाकार है, लंबी लाइन लग जाता है, सुबह 3 बजे से लेकर के लंबी लाइन लग जाती है दिल्ली में देखा। और बात जो गाड़ी में जो पानी लेकर के आते हैं उसको पानी भरने के लिए लोग ना जी कितने मारपीट कर ले जाते हैं। मेरे कहने की यह तात्पर्य है दुर्लभता, सबके अंत में दुर्लभता नहीं होते परिकल्प में दुर्लभता ये समस्त प्रतिबिंब कर दिया है। इसलिए दरबार में कृष्ण के राष्ट्रीय असंभव नहीं, क्योंकि परिकल्प जो 4 विशेष संभव वस्तु में बताया ये नहीं होता है। दुर्लभता निवारणता, निवारणता क्या है? अपने परिवार से जो है आपको निवारण कर लोगे, कहाँ जा रही है आप तो भी बोल नहीं सकते मैं जा रहा हूँ किसी के साथ मिलने के लिए, ये तो बोल नहीं सकते है। काम को जाने की जरूरत है, हर रोज कहाँ चले जाती है बहाना तो बना देते, मैं चोपड़ा में जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, ये करने तो बहाना होता है, उनके सास ससुर नाना दादी निवारण कर रहे हैं। आप जाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं संध्या प्रकट हो जाए तब क्या होता है माना करते हैं। इसलिए कहते हैं कहू मिले कहू ना मिले दही तेरे घटन है, कहू मिले कहू ना मिले, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। कृष्ण कृष्ण ने कहा आज तुम्हारे साथ गोविंद साथ कहाँ मिलन होगा, ये तो बोलते नहीं है, वो क्या करते हैं इंगित के द्वारा वो सूचना देते हैं, इंगित समझते हैं इसके द्वारा गोपियां समझ जाती है, है? जैसे बार बार केश को कृष्ण हाथों के द्वारा संभाल लेते हैं, कितनी सुंदर कृष्ण के जय भूलाने वाले सुंदर है। तो गोपियां समझ जाती है आज गोविंद हमारे साथ कहाँ मिलेंगे, केशव कुंज में, आज गोविंद हमारे साथ केशव कुंज में। हरी हरी पत्ता को लेकर के कृष्ण क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। गोपियां समझ जाती है आज गोविंद हम लोग के साथ कहाँ मिलेंगे, हरित कुंज वृंदावन जाते हैं, बाकी ज्ञान की सोचने के कई भी एक स्थान एक पर हरित कुंज भी लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए हरित कुंज। इसी प्रकार क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है जो मैं क्या कर देते हैं कृष्ण अथवा राधा जी को फिर भी ग्रहण नहीं होता, बोला जाएंगे भंडीर वट और कृष्ण चलेंगे तालवन, तालवन जाना था चलेंगे भंडीर वट, संकल्प भंडीर वट उधर पड़ते तालवन इधर पड़ते। इसलिए कहते हैं कहू मिले कहू ना मिले दही ले दुर्लभ होता है, निवारण था वो परिवार जन सास ससुर गुरुजन जो भी माना करते चलो हम जिस कथा में ये चलते जा रहे हैं। कृष्ण द्वारक में 16108 पाटिनी के साथ रहते हैं और वो लोग सभी एक एक कला में भी सुनी पुना जैसे एक्सपर्ट
है, बोल भी कम नहीं है, लेकिन वही तो राधा जी पर्वत की सब प्रकाश है। उद्दाम भाव कृष्ण मलबन को आस, श्रीमद भागवत में वर्णन हो रहा है, उद्दाम भाव कृष्ण मलबन को हास विरावलोकनम, उसमें तो महिषी आप किसी प्रकार से कम नहीं है, उनके उद्दाम समुद्र के लहरी के भांति भाव मानुष जी प्रकाशित, उद्दाम भाव कृष्ण मलबन को हास, इनमें इतने सुंदर चित्ता आकर्षक चित्ता आकर्षक है, केवल महिषियों के जो है हाव भाव आदि जैसे साधारण नहीं है, भाव तो कुछ इतना सुंदर, तथापि कृष्ण के मन को लोग स्मरण कर नहीं पाते, तो आगे मूर्छित हो गए, किंतु कृष्ण के भी ये लोग किसी प्रकार से तो आकर्षित कर नहीं पाते। और वृंदावन में गोपी ने किए बस देव परानी तो पतितम भ्रष्टम चुकी तो वसनम, श्रीमती राधिका केवल अपने कटाक्ष पाठ के द्वारा, कटाक्ष माने आंखों की तिरछी ना है, रोमांटिक साइक्लोन ग्लैंड, रोमांटिक साइक्लोन ग्लैंड, केवल आंखों की तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के चित्तबंध को क्या करते हैं, हरण कर लेते, और कृष्ण के हाथ से बंसी अपने आप गीता बंसी करानी तो पतितम भ्रष्टम च पीत वसनम, और गोविंद के पीत वसन जो है तो क्या जो वो भी गीता, और अंत में कृष्ण ये उनकी के मोर पंखा भी नीचे गिर जाते, अंत में कृष्ण के एक अंत में कृष्ण के शरीर ऐसे अपना सुंदर दे है, और देखते देखते कृष्ण विमूर्छित दर्श और मूर्छित हो जाए, देखो केवल राधा जी की मान रूपी तिरछी तिघ्न सराहात के द्वारा कैसे प्राप्त पर वेदन सम सुंदर श्री विंच मोगी की अवस्था कैसे हो जाए, राधा राव सुधा बिंदी में यही तो दिखाए, जी गुरु कृष्ण की क्या कृष्ण द्वारका में संभव नहीं, राष्ट्र में संभव नहीं, इसलिए हमारे कहीं के तरफ कहीं के तात्पर्य भक्त अनेक प्रकार के भक्त है, वैकुंठ के भक्त, अयोध्या के भक्त और द्वारका के भक्त और वृंदावन गुरु वृंदावन के, तो सजातित्व तो ही होता है, जो ऐश्वर्य मार्ग मार्ग में भगवान की उपासना करने वाले उनके साथ मित्रता होता है, जो माधुर्य रस की उपासना करने वाले होते हैं उनकी उनके साथ सजातित्व तो होता है, मित्रता जैसे रूप सनातन है, कितने भजन आते हैं दोनों भाई बैठ जाते थे बाद घंटे घंटे पर इतने मधुर कथा भी जो जाते जन्मान दस्त जकर इसी श्लोक में पढ़ जाते थे, इसी कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा जी टेढ़ कदम में आ गए है, टेढ़ कदम में हम लोग जाते हैं देखा आप सकते तो है, रूप सनातन दोनों भाई बस बैठ गए कदम, और स्वयं राधा जी सामान्य एक गांव के बालिका के रूप में आई है, चावल और दूध लेकर के बोले बाबा ये दूध के व्यक्ति बना लो, किंतु दोनों रूप सनातन इतने कथा में मत थे ध्यान नहीं, और स्वयं राधा जी बोले ठीक है मैं बना के आज हो जाएगा, राधा जी क्या करने लगे खीर बना दे, पतीला कहाँ से मिला पतीला समझ चूल्हा कहाँ से मिली, रूप सनातन भजन करने वाले थोड़ी युक्त लेकर हम तो चलते है सब लेकर के चलते हैं, गैस की सिलेंडर
और क्या 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 लेकर के चलते हैं आप लोग? नहीं चलते नहीं अपने लिए गैस सिलेंडर लेके हम चलते हैं, छोटा ही गैस सिलेंडर डाल लेते हैं, कढ़ाई डाल लेते हैं। अच्छा बताओ रूप सनातन थोड़ी ऐसी है, बिल्कुल जो है मैदान में पेड़ के नीचे बैठे खाने की चिंता है, हमें तो खाना पीना की चिंता है कि नहीं, किंतु रूप सनातन की ये चिंता, माधुर की मिल गया तो अच्छा है या नहीं मिले, कभी मिले कभी ना मिले, देंगे नहीं बढ़े कभी चना और कभी मन चाना, हमारे माधुर मारे हमको चना खिलाए पता नहीं संग खाए नहीं जाए कि काल की पेट का रुकार मुझे खाए नहीं है पता नहीं मुझे आज सुबह का कोई भक्त दे गए थे वो माधव कह रहे बड़ी बात बड़ी बात से मुझे शाम को रात को गए बड़े चना सही खाए नहीं है स्वयं उसके पेट तो काट होती है मसाला देते चाना अच्छा लगे थे, मैं तो एक एक दाना खाया बस पेट खराब नहीं हो जाए। चलो अच्छी बात, रूप सनातन कहाँ चाना की चिबाने का वो गैस थोड़ी ली था हमारे वहां परिवार बांधी भाई अपने लिए मैं कहता हूँ, हम देखते हैं जहाँ पर जाते हैं कहीं किचन रूम में मिल जाए सामने सामने आज बना दी रोशी बना दी बड़ा मठ में तो बनाते हैं क्या क्या बड़े मिर्च मिर्च बनाते हैं आज मिले और हमारी विजय प्रभु आ जाते विजय प्रभु भी बना देते हर रोज बर्गर इडली हाँ एक डेढ़ महीने ये लोग तो सबको ये करते नचाते हैं सबको, कभी कभी क्या क्या साउथ इंडियन के क्या क्या बनाते रहते भैया क्या करें। मैं तो ये सब खाने वाला नहीं हूँ, जरूर मेरा थाली में बन गए आनंद आता था देखने में आनंद आता है, किसी को खाने में आनंद है और किसी को ये इतने बड़ा है साउथ इंडिया के स्टाइल साउथ इंडिया के प्लेट बड़ा कि नहीं बड़ा नहीं वो एक बना था वो तो अच्छा था दूसरा था वो जो दाल को पीस करके जो उसके आलू भर देते ना हाँ मसाला एक खा लिया बोले आओ मैं मान लिया एक हो गया मेरा चाचा हमने इनको खिलाओ तीन चार खिला दो है मेरा तो एक भी पेड़ हो जाते कोई बात नहीं है पुरुष सनातन ऐसे थोड़ी खाते और स्वयं राधा जी देखो है और उनके लिए खीर बनाने है। अच्छा बताओ ये गैस कहाँ से मिले पतीला कहाँ से मिले पतीला समझते कि नहीं बर्तन जो है वो कहाँ से मिले लकड़ी कहाँ से मिले कोई जरूरत नहीं राधा जी कोई स्कूल बैठी गाँव राधा जी ने क्या देखो वो मेरे के साथ ही साथ सब आई है अरे क्यों नहीं आई अनंत बड़ी विष्णु लोग नम्र मधुम जा चीते सीमा त्रिजा पुल ग्रीन चजा परा अपार जिनकी नवचंद्र नवचंद्रमा की छटा से ही जो है ये समस्त जो है रिद्धि सिद्धि पता तो राधा जी ऐसे लड़के साथ ही साथ देखो चूल्हा कहाँ से आ गया है गैस पैस लाना नहीं पड़ता है दस्ती जो है वो चूल्हा है अभी ना क्या बोले रेडीमेड चूल्हा है
लकड़ी भी आ गया, सूखे लकड़ी आ गया, पतीला भी आ गया, रसी बनने के बर्तन जो है, देखते देखते सब कुछ कर दिया। फिर सैन राधा जी दूध को गर्म करके फिर देखो खीर बनाने लगे। ये कथा तो आपने सुनी। तो मैं इसलिए बता रहे थे सजेत्य आसती को रूप सनातन इनके जो भजन क्या है इस सजात्य का देखो उनके छोटे भाई की थी रात को छोटे भाई जब चल राम के लिए मैं जब की कथा उनके छोटे भाई के नाम क्या है अनुपम जिसको सुनिए बिहार में वो तो राम का था उस कथा में थे रघुनाथ कथा रघुनाथ की कथा में राम सीता की कथा में राम कथा में उपयुक्त थी तो कहाँ कथा तो यहाँ पर जो मैं कथा जो अभी बता रहे थे ये क्या हो गया जैसे कोई राम भक्त उसके राधा कृष्ण की कथा ऐसे पर कहते कथा उसका अच्छा नहीं लगेगा राष्ट्र की कथा उनका अच्छा नहीं लगेगा और यह जो कि छुप छाप करके कैसे लगे रामायण की कथा अच्छा लगे रामचंद्र की सीता जी का विवाह आदि कितने सुंदर और इधर तो राधा कृष्ण का विवाह नहीं है इसमें जो राम के उपासक जो है राम सीता जी सीताराम जी के उपासक है उनके लिए कथा में अच्छा नहीं ये क्या सब बेकार की बात है अच्छा नहीं इसलिए इसमें क्या है सजेत्र तो नहीं होगा विजात्र तो होगा तो सजेत्र तो उसी में होता है एक ही भावना विशिष्ट संत महात्मा के निकट बैठकर जैसे रूप सनातन जी भागवत की एक श्लोक लेकर के वास पड़े रहे जन्मादश जनवर जन्म आदि जन्मादश और इसी श्लोकों के नाजने कितने कितने तरह तरह की माधुर्य पर गच्छा आदि करने की आदि रस लेकर की चलना शुरू कर दिया आदि रस माने सिंगार समस्त रसों की उस रिसोर्स ऑफ ऑल मेंटल रस सिंगार उसी कथा को लेकर के कहां कहां पहुंचे थे राधा जी की महाभाव तो पूछे थे ब्रज की सारी लीलाओं की कथा जो है पूछे थे रस की माधुर्य कैसे हो जाए विभाग अनुभाग शक्ति की दर है आलम्बन उद्दीप है आलम्बन भी दो प्रकार के होते हैं जिससे आलम्बन ये आश्रय इसी प्रकार इसी रस कथा को जो है कैसे कैसे आदि वर्णन होते जाए दस सप्त वात्सल्य आदि माधुर्य रस की परिपूर्णतम स्थान में पूछे स्नेह मान प्रण राग गुणा भाव महाभाव देखो उज्जवल रुक्मिणी ग्रंथ में कितना सुंदर के वर्णन है केवल आदि रस श्रृंगार रस तो दोनों भाई इसलिए कहते हैं जो एक ही भावना विशिष्ट है अच्छा ये तो हमारे लिए और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं यदि हम सूक्ष्मादि सूक्ष्म में विचार करें वेरी डीपली एनालाइज यदि सूक्ष्मादि सूक्ष्म में विचार किया जाए सजाति सजाति तो होगा नहीं सजाति तो नहीं होगा क्योंकि यदि सजाति तो रहे वैचित्रता प्रकाश नहीं होगा वैरायटी नहीं आएगी और वैरायटी वैचित्रता नहीं हो तो माधुर्य के सौंदर्यता पवनीयता को प्रकाशित नहीं किया यही वैचित्रता ही वैचित्र समझ के नहीं वैरायटी डिफरेंस वो हमारे के गतिचित्त के आकर्षित कराते हैं जैसे
एक ही बगीचा में सब प्रकार के फूल एक रंग के पुष्प खिले हुए हैं। आप देखकर यहाँ पर सफेद फूल है, तो उस बगीचा में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं, लाल नील और भी नाजनी कैसे सुंदर करके सजावट करके है, पेड़ों के पौधा पर फूलों के पौधा पर लगा गया, फूल प्रकाशित हुए हैं, कहीं चक्राकार में चक्राकार भी ऐसे करके लगाया। इस मतलब विदेश में जाऊँ ना आपको दिखाई पड़ता है, एयरपोर्ट में इतना सुंदर लगाते हैं ना हम लोग, बड़े बड़े शहर इंडिया में भी है, बड़े बड़े शहर में भी है। कुछ देश में मैं कैसे विशेष करके न्यूजीलैंड में लिखे देखा, एयरपोर्ट में इतना सुंदर बुके सजाया है, एयरपोर्ट के थोड़ा बाहर अनेक फूलों के द्वारा है। ये न्यूजीलैंड जो लिखा है इंग्लिश में, न्यूजीलैंड जो लिखा है उसे फूलों के पौधे के द्वारा, लाल नील अनेक पौधों के द्वारा और पुष्प खिले हुए थे, इतना सुंदर है। अलग देश में कैसे ब्राजील में भी देखा, ब्राजील में और उसमें किसे लिखा हुआ है, फूलों के द्वारा फूल के पौधा पौधा लगा और फूल पर तो अनेक प्रकार के जो है रंग बेरंग आदि विचित्र था, क्योंकि विचित्रता रहे तो देखेंगे आनंद। और भगवान ने भी इस संसार को भी कैसे सजाया, विचित्र विचित्र है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए विचित्रता है कि नहीं है, एक दूसरे मिलन एक दूसरे की ये नहीं सिमिलरिटी नहीं है, विचित्रता है। कोई तमगुण होता है, कोई रजोगुण होता है, कोई सत्वगुण होता है, एक तो गुणों के द्वारा ना के गुण है, उसके हमारे आकार स्वभाव ये भी अलग अलग है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई गोरी है, कोई श्यामला है, है? वस्त्र भी हम लोग धातु के हैं, अलग अलग वस्त्र अलग अलग है, वस्त्र भी हम लोग धारण करते हैं, हम लोग के सब प्रकार की जो अलग अलग है, खान पीन भोजन आहार विहार सभी अलग अलग है। रात्रि में कोई उबाल करके खाते हैं, कोई चकाचक तेल मसाला मिर्च मसाला घी चमकते रहे, आज उस दिन बता रहे थे ना ये वो क्या बनाया, हलवा बनाया ना पहले, इतना घी चकाचक ब्रजवासी लोग, ब्रजवासी लोग कैसे खाते, चकाचक होनी चाहिए, चकाचक समझते भी नहीं, बहुत सुंदर स्वादिष्ट और देखने का घी, ऐसे देसी घी के बना के देंगे और बिल्कुल घी टपक के रहे, मिठाइयाँ ऐसे मिठाई दे रही बार क्या बोलेगी, चीनी आदि दे दे बना दे दे, इतना मिठाई क्या चीनी खुआ खुआ खोए बोलते हैं, हाँ बराबर खोए बोलते हैं, और नाजनी क्या क्या दे बना देते हैं, आनंद और इतने सब्जी बना इतने मिर्च डाल देंगे चकाचक लाल लाल हो जाएगा, कृष्ण तो किस तरह खा लिया, कृष्ण देखा और मैं भक्त के सहन नहीं हो रहे, भक्त दो बोला भाई कृष्णा, इसलिए ने किया कि ब्रज छोड़ के कहाँ होते नवद्वीप होते हैं, नवद्वीप में भी देखा, यहाँ पर भी बंगाली लोग भी कम नहीं है, ये भी मिर्च खाने वाले हैं, इधर का लाल मिर्च खाने वाले हैं ब्रज का, और बंगाल की जाए हरी मिर्च खाने वाले हैं, काल भिंडी की सब्जी खाए कि नहीं सर, सब हरी हरी मिर्च ये बनाए हमारे है कि नहीं है, चकाचक लगा तो नहीं
फिर से सोशल सोशल बाटा देख सोशल के बट बेकर पीस करके और क्या कर दिया था। वो भी दिखा दिए बंगाली रूप तो और भी मुझे परेशानी कर दिया। इसलिए देखा तो अच्छे चलते सन्नास लेकर भर चटा नौ दिन में कहाँ भर के जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में होते ना जगन्नाथ जी में ये नहीं लगता है मिर्च नहीं लगता बोलो वृंदावन यारी। देखो कृष्ण वृंदावन से भाग के कहाँ जगन्नाथ नव वृंदावन से कहाँ भाग के नवद्वीप और नवद्वीप से देखा ये भी हमारी मंदिर है कहाँ जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ जी के प्रसाद महाप्रभु नित्य प्रत्यंजय जगन्नाथ के प्रसाद में भक्त भी जगन्नाथ जी के प्रसाद में मिर्च नहीं लगता और इतने स्वादिष्ट है जो कदम में बिना मिर्च से कैसे बनाए ब्रज में घर में जाते बोले देखो हम लोग मिर्च में डालते हैं बिल्कुल नहीं देंगे मतलब क्या है इतना देर लाल लाएंगे बोले दिया ही नहीं बोले कैसे दिया थोड़ी सी डाला मैंने बोले थोड़ी सी डाला पहले से बार इतने हो जाता है क्या होता है और जल्दी बोलो मिर्च करके चकाचक बनाओ और क्या बनाएंगे वो क्या है कि नहीं। हम लोग जब एक ब्रजवासी के घर में कीर्तन में जाते हैं कहते देखो हम लोग के लिए मिर्च बिना मिर्च से बना बोले हाँ हाँ महाराज जी बिल्कुल बिना मिर्च से बना लेते और खाने के लिए जाओ बैठो तो बिना मिर्च से बनाए कैसा इतना लाल लाल इतनी और ये थोड़ी सी डाली मारे थोड़ी सी डाली बोलता है कि नहीं बोलता। चलो हम जो जिस तरह हम प्रसंग दे रहा है सजाती अपने उपासना के अनुसार भावना के अनुसार ये विराट वस्त्र रूप में यदि कहा जाए सजा तो लगी जाए कहीं कहीं उसके भेद रहेगा। जैसे एक पेड़ में इमली का पेड़ देखा कि नहीं इमली का पेड़ में कितने पत्ता होता है चारों पत्ते होते हैं किंतु देखो एक पत्ते के साथ दूसरे पत्ते के कभी सिमिलरिटी देखने कहीं नहीं भेद रहेगा भेद ही प्रधान है आसुन भेद ही जो है प्रधान रहता है अपराध तो ठीक है कहे जगत जगत में कहे भेद ही प्रधान रहेगा भेद नहीं रहा तो कोई चित्रता नहीं रहेगा। तो हम जो 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 मुद्दा उठाया हमने क्या प्रसंग उठाया सजाति तो कैसे हम उसकी स्थापना करें भेदी यदि प्रधान हो जाए तो समान भावना से तो उसके लिए कहते हैं हमारे विश्वनाथ की टीका में कहते हैं कथंचित कभी कभी ऐसे हो जाता है बोले वो कैसे आप बताओ तो उसके लिए हमारे विश्वनाथ चतुर्थी कहते हैं यथा गुणवत् जिस प्रकार एक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े होता है उसके हिंदी में क्या बोलते हैं वो लकड़ी के जो है छेद करते दिमाग करते हैं छेद करते हैं विशेष करके बरसात में हो ना पुराना लकड़ी यदि हो आपके दरवाजा यदि बहुत साल की पुराना हो अब थोड़ा सा पानी की छिटक आ गया तो वो दिमाग उसमें क्या करते हैं छेद कर देते हैं और वो छेद करते करते उनके छेद करते कभी अक्षर नहीं बन जाता है उनका अक्षर बनाना उनके उद्देश्य नहीं ये बनाना इसके लिए ए बी सी डी बनाना किंतु कभी कभी वो छेद करते करते ये अक्षर भी बन जाता है इसके कारण यथा अथवा देखो चावल और गेहूं में वो छोटा छोटा कीड़ा लग जाता है क्या लगता है अभी अभी चावल अथवा गेहूं रखा ना यदि आप बरसात के समय विशेष करके बीच बीच में यदि धूप में आप नहीं दिया बरसात समाप्त हो गया दो तीन
मरने के बाद देखोगे आपके सारे वो क्या होंगे, सब हो गए, गुण मिल जाए, कुछ नहीं रहा, वो सारे खा लेते हैं बहुत बस बिल्कुल ऐसे पाउडर बना देते। चलो आपको पता नहीं है, चलो दो चार तो लग गया था, वो आप क्या करते हैं, अलग करते हैं ना है? तो उससे क्या होता है, उससे सारी जो धूल जो ऐसे बाहर निकल आते हैं और उससे छोटे छोटे वही जो कीड़ा वो मैं पर क्या घूमता रहता है, वो घूमते घूमते वो क्या बना देते हैं, अक्षर बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने सुमत चतुर्वेदी पाठ करते हैं, यदि हम सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप में विचार करें तो प्रत्यात्व नहीं होता, कहीं कहीं उसके भेद होता है, वैचित्रता है। एक रूप मंजरी ने एक सुंदर माला गुजी, रति मंजरी एक सुंदर माला गुजी, राधा जी देख करके पता लग रही, कृष्ण देख करके पता लग रही ये माला किसने की, क्योंकि उसमें कहीं कहीं उसमें क्या रहेगा, जैसे इस जगत में ट्विंस कहते हैं, एक ही मुंह ऐसे होने पर ही कहीं कहीं उसके भेद रहे, समझ। जैसे हम वर्णन करते हैं राधा के, अपने सुवर्ण मिलन की कथा सुनाया उसकी, सुवर्ण के मुख कैसे राधा के मुखार बिंदु, किंतु कहीं नहीं कहीं जब सूक्ष्म रूप में देखी कहीं नहीं देखी तो वो कैसे, तो इसलिए कहते हैं पिछला हमारे यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं, विभिन्न स्वभाव विभिन्न प्रकार की रस पुष्टि के लिए श्री राधा जी की विभिन्न स्वभाव सखियां है, वे सखियां अपने रस के रूप अनुरूप के विद्या में सुदक्ष होती है, कभी कभी अन्य अन्य सखियां भी वे विभिन्न विषय की शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वयं राधा जी समस्त अपने सेवा में निपुण करते हैं, एक बताए जैसे कहते पल्लवदासी करी ललिता सुंदरी हमारे गैया कवे श्री राधिका पदे कलगी लाई गे आकाशे पास अमर पिवे, आकाशे पास अमर पिवे, आकाशे पास अमर पिवे हमारे गैया कवे संगीत विद्या इसलिए यहाँ पर और दूसरी सखियों के साथ हिंदू लेखा समस्त सखियों के निकट जाकर के विद्या शिक्षा ये समस्त जो है कितने सुंदर भाव माधुर जी वर्णन हुआ है, ये अष्ट सखिया जो है और एक एक विषय में सब एक एक विद्या में वो सब संसूल की नाम है, जैसे इस पाठ लेखन में आठ कला आज यहाँ तक है, फिर इस प्रथा को हम वर्णन करेंगे, बोल विमान जय जय गंगा जी की पूजा तो हो गई, हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे।
ज्ञानी।